Hello, today we will talk about SR-GAN, that is Super Resolution GAN. SR-GAN was proposed by researchers at Twitter. Basically, Super Resolution GAN का purpose यह है कि हम एक low resolution image को convert करते हैं high resolution image में और उसकी recover करते हैं तमाम finer details. इससे पहले जो methods इसके लिए use किए जाते थे उसमें था bilinear interpolation, Laplacian regularization and TV and NLTV regularization. अब होता ये है कि जब हम किसी low resolution image को high resolution image में convert करते हैं तो उनके number of pixels बढ़ जाते हैं, dot per inches बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से और उसके अंदर interpolation करते हैं हम दो pixels के दरम्यान में कि अगर दो pixels को हम चार pixels में convert कर रहे हैं तो दरम्यान वाले दो pixels क्या हो सकते हैं. उन दो pixels को interpolate किया जाता है different methods के through. तो जितना अच्छा कोई मेथड होगा जो उसे इंटरप्रेट कर सके उतनी ही अच्छी हमारे आउटपुट इमेज की क्वालिटी होगी. सो जो जेनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क्स हैं उनको हम यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू जेनरेट एन इमेज दैट इज सुपर रेजोल्यूटेड विद फाइनर डिटेल्स. ओके, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक इमेज है जो बहुत छोटा है और ब्लर इमेज है. जब हमने इसे हाई रेजोल्यूशन में कन्वर्ट किया तो वी गॉट द फाइनल डिटेल्स ऑफ इट. हर गैन की तरह सुपर रेजोल्यूशन गैन में भी दो हमारे पास नेटवर्क्स होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं जिसे हम कहते हैं जनरेटर नेटवर्क एंड डिस्क्रिमिनेटर नेटवर्क. हेयर वी कैन सी इन द इमेज कि हम लो रेजोल्यूशन इमेज हमारे पास पेयर्ड इमेज होते हैं. हम हाई रेजोल्यूशन इमेज को किसी तरीके से अपने किसी रिसाइजिंग के मेथड से उसे लो रेजोल्यूशन में कन्वर्ट करते हैं. वी हैव पेयर्स. हर लो रेजोल्यूशन इमेज के कॉरेस्पॉन्डिंग एक हाई रेजोल्यूशन इमेज होता है हमारे पास. हम लो रेजोल्यूशन इमेज को जनरेटर को इनपुट देते हैं और वो हमें आउटपुट में जनरेट करता है एक हाई रेजोल्यूशन या सुपर रेजोल्यूटेड इमेज. ठीक है, हम उस सुपर रेजोल्यूटेड इमेज को और एक्चुअल हाई रेजोल्यूटेड इमेज को जो हमने हमारे पास ग्राउंड ट्रूथ था उन दोनों को हम पास करते हैं डिस्क्रिमिनेटर को एंड डिस्क्रिमिनेटर लर्न्स विच वन इज द फेक इमेज एंड विच वन इज द रियल इमेज. और इसी तरह हम अपना लॉस कंप्यूट करते हैं और वो लॉस दोबारा से हेल्प करता है इन ऑर्डर टू ऑप्टिमाइज आवर जनरेटर नेटवर्क. मूविंग फॉरवर्ड, द जनरेटर नेटवर्क जो हमारे पास होता है इन सुपर रेजोल्यूशन गैन इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम अदर कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स. इसमें जो रिसर्चर्स आपको पोज दे आर प्रपोज रेजिडुअल नेटवर्क इंस्टेड ऑफ सिंपल डीप कन्वोल्यूशनल नेटवर्क. अब रेजिडुअल नेटवर्क में हमारे पास क्या होता है, स्किप कनेक्शंस होते हैं. स्किप कनेक्शंस आर लेट्स से वी हैव वन लेयर एंड डिस्पाइट अदर देन दिस कनेक्टिंग टू द नेक्स्ट लेयर इट ऑल्सो कनेक्ट्स विद एनी फॉर सब्सिक्वेंट लेयर्स. वो पहली लेयर के अलावा हो सकता है तीसरी लेयर से भी कनेक्ट हो रहा हो, हो सकता है वो चौथी लेयर से भी कनेक्ट हो रहा हो. तो दीज आर कॉल्ड स्किप कनेक्शन और रेजिडुअल कनेक्शंस. इन रेजिडुअल ब्लॉक हमारे पास क्या होता है, वी हैव रेजिडुअल ब्लॉक्स इन द जनरेटेड नेटवर्क ऑफ सुपर रेजोल्यूशन. इन ईच रेजिडुअल ब्लॉक वी हैव टू कन्वोल्यूशनल लेयर्स. हमारे पास दो कन्वोल्यूशनल लेयर्स होती हैं जिसमें 3x3 साइज का कर्नल हम अप्लाई करते हैं और 64 डायमेंशनल फीचर मैप्स जनरेट करते हैं. बैच नॉर्मलाइजेशन लेयर होती है एंड पैरामेट्रिक रेलू होता है. पैरामेट्रिक रेलू इज डिफरेंट फ्रॉम एक्चुअल रेलू एंड लीकी रेलू. एक्चुअल रेलू में हमारे पास जो है वो वैल्यू कंपेयर की जाती है विद जीरो एंड लीकी रेलू में वी हैव दैट वैल्यू एल्फा जो कि हमारा फिक्स्ड कोई ना कोई पैरामीटर होता है. बट इन पैरामेट्रिक रेलू हम ये पैरामीटर या एल्फा की वैल्यू भी थ्रू बैक प्रोपगेशन एंड थ्रू ऑप्टिमाइजेशन वी लर्न इट. तो जितनी अच्छी लर्निंग होगी उतने ही अच्छे हमारे रिजल्ट जनरेट होते हैं. इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हमें एक लो रेजोल्यूशन इमेज को, एक कम पिक्सल्स वाले इमेज को, एक कम डायमेंशन वाले इमेज को हाई डायमेंशनल इमेज में कन्वर्ट करना है. तो हमें इमेज का साइज इंक्रीज करना है, हमें उसकी डायमेंशन बढ़ानी है. तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं सब पिक्सल कन्वोल्यूशनल लेयर्स. ऑलराइट, so what is sub pixel convolutional layer in generator network? Pixels and pixels are connected together. While in the microscopic world there are number of tiny pixels between two pixels that are physically present.
हम इसमें ये ज्यूम करते हैं कि दो पिज्जास के दरमियान में कुछ और पिज्जास भी होते हैं जिन्हें हम शायद माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में इमेजिन कर सकते हैं, ये कह सकते हैं कि दे एग्जिस्ट देयर। हम उन टाइनी पिज्जास को कहते हैं सब पिज्जास। सो व्हाट हैपेंस व्हेन वी इंक्रीज द साइज ऑफ एन इनपुट इमेज, हम कोई भी दो पिज्जास के दरमियान में उन सब पिज्जास की वैल्यूज को इंटरपोलेट करते हैं। 1 1 1 एंड 1 2 पिक्सल के दरमियान में कुछ और पिक्सल्स हैं जो हमने इनके ऐड करनी है और उन पिक्सल्स की कोई ना कोई वैल्यू इंटरपोलेट करनी है जो कि इमेज का साइज भी इंक्रीज करेगी गिवन द फाइनल डिटेल्स ऑफ द इमेज। दिस इमेज शोज द सब पिक्सल विजुअलाइजेशन जो हमारे पास रेड रेक्टेंगल्स हैं स्क्वायर्स हैं दे डिटर्मिन द एक्चुअल पिक्सल्स एंड द ब्लैक डॉट्स जो हैं वो हमारे पास बता रहे हैं कि ये सब पिक्सल्स हैं दैट कैन एग्जिस्ट बिटवीन टू फिजिकल पिक्सल्स। ओके सो व्हाट हैपेंस, ये तो हमारे पास सुपर सब पिक्सल्स का कॉन्सेप्ट आ गया। अब हमारे पास सुपर रेजोल्यूशन गैन के अंदर होता क्या है, हम किस तरह से ये सब पिक्सल्स ऐड करते हैं। अब हमारे पास सब पिक्सल कन्वोल्यूशनल लेयर में हमारे पास जो नंबर ऑफ चैनल्स हैं, हम उन नंबर ऑफ चैनल्स को कंबाइन करके एक स्क्वायर बनाते हैं, आर बाय आर स्क्वायर बनाते हैं जो कि हमारा साइज इंक्रीज कर देता है इनपुट इमेज का। ठीक है, हियर वी कैन सी कि हमने जो 00 लोकेशन पे जितने चैनल्स में जितने भी पिक्सल्स हैं उन सबको कंबाइन करके लेट्स से आर स्क्वायर वी हैड चैनल्स एंड वी मेड एन अदर रिप्रेजेंटेशन फॉर 00 पिक्सल दैट इज आर बाय आर मैट्रिक्स कह सकते हैं हम इसे। ऑलराइट, सो इस तरह से हमने इसमें सब पिक्सल्स को ऐड किया है। ईच पिक्सल ऑन फीचर मैप इज इक्वलेंट टू द सब पिक्सल्स ऑन द जनरेटेड आउटपुट इमेज। ऑलराइट, हियर वी कैन सी फ्रॉम द कलर्स एज वेल कि हमने हर फीचर मैप के एक पिक्सल को एज अ सब पिक्सल ऐड किया है इन द आउटपुट इमेज। इस तरह से हमारा आउटपुट इमेज का साइज इंक्रीज हो गया। सो दिस इज द जनरेटर आर्किटेक्चर फॉर सुपर रेजोल्यूशन गैन। हमारे पास सबसे पहले लो रेजोल्यूशन इनपुट इमेज है, हम उससे एक कन्वोल्यूशनल लेयर से गुजारते हैं। कन्वोल्यूशनल लेयर हैज साइज ऑफ 9x9 कर्नल साइज है, नंबर ऑफ चैनल 64 है एंड स्टार इज इक्वल टू 1। द इमेज इज देन पास टू विद एक्टिवेशन फंक्शन दैट इज पैरामेट्रिक रेलु, हमने उसके बारे में पहले बात की है। अब इसके बाद हम देखते हैं देयर आर स्किप कनेक्शंस। जो पैरामेट्रिक रेलु से जो हमारी आउटपुट है वो ना सिर्फ एक कन्वोल्यूशनल ब्लॉक जो रेजिडुअल ब्लॉक को जा रही है बल्कि ऑल्सो इट इज बीइंग पास्ड टू द एलिमेंट वाइज सम लेयर एंड अदर ब्लॉक्स इन द आर्किटेक्चर। सो व्हाट इज इनसाइड द रेजिडुअल ब्लॉक, जो हमने पहले भी देखा कि हमारे पास कन्वोल्यूशनल लेयर है। We have applied to convolutional layer. Her convolution, jo hai, convolutional layer is followed by a batch normalization and parametric ReLU layer. All right, and then we do the element-wise sum. यही हमारे जो residual blocks हैं, इनको हमने replicate किया है. We have these 5 residual blocks inside the generator architecture of super resolution GAN. ठीक है? So after those residual blocks. हम जब चलते हैं दोबारा से एक कन्वोल्यूशनल लेयर को पास करते हैं। कन्वोल्यूशनल लेयर हैज 3 नंबर ऑफ फिल्टर साइज जो हमारे पास है उसमें 3 है। वी हैव नंबर ऑफ चैनल्स दैट इज 64 एंड स्टार्ट अगेन इज इक्वल टू 1, देन इट इज पास टू बैच नॉर्मलाइजेशन एंड देन वी डू द एलिमेंट वाइज सम। सो द आउटपुट ऑफ द नेटवर्क इज देन पास टू अनदर कन्वोल्यूशनल लेयर एंड देन देयर वी हैव दैट सब पिक्सल कन्वोल्यूशनल लेयर दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट अर्लियर। इसके बाद हमारे पास जो आ जाती है वो सब पिक्सल कन्वोल्यूशनल लेयर आ जाती है जो इनपुट साइज को इन्हांस करती है, इंक्रीज करती है एंड देन वी पास दिस टू नेक्स्ट ब्लॉक जिसके अंदर फिर से हमारे पास जो है वो एक कन्वोल्यूशनल सब पिक्सल कन्वोल्यूशनल लेयर है। अब सब पिक्सल कन्वोल्यूशनल लेयर में हमारे पास नंबर ऑफ चैनल्स शुड बी इक्वल टू द आउटपुट साइज। ऑलराइट, आउटपुट अगर हम चाह रहे हैं कि हमारे पास 256x256 की आउटपुट आए तो वी शुड हैव द नंबर ऑफ चैनल्स इन द सब बिफोर सब पिक्सल लेयर जो कि हमारे पास है 256 हमारे पास नंबर ऑफ चैनल्स होने चाहिए। सो वी नीड टू बी केयरफुल अबाउट दैट एंड फॉर द लास्ट लेयर वी हैव नंबर ऑफ चैनल्स इक्वल टू 3 क्योंकि हमें एक आर जी बी इमेज चाहिए। सो वी जनरेट एन आर जी बी सुपर रेजोल्यूटेड इमेज।
So this is a discriminator network. Discriminator network is simple. We have convolutional layers in it. We have batch normalization layers. And here we have defined the kernel size, number of channels, and strides for each convolutional block. And finally, the output is a probability score between 0 and 1. And if it's near to 0, we say it's fake. And if it's near to 1, we say it's real. So we pass the images generated by our network and the actual high resolution images, and discriminator work is to determine whether the images are fake or not. Okay, so what's the loss in an SR GAN? जैसे हमने पढ़ा पहले जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क्स में वी हैव दैट एडवर्सरियल लॉस, जिसका पर्पस क्या होता है कि हमने अपने डिस्क्रिमिनेटर को फूल बनाना है. वी नीड टू मैक्सिमाइज द लॉस ऑफ डिस्क्रिमिनेटर. ऑलराइट, सो बट इन सुपर रेजोल्यूशन गैन अदर देन एडवर्सरियल लॉस, यानी कि ये देखना कि जो हम इमेजेस जनरेट कर रहे हैं हाउ प्लॉजिबल एंड हाउ रियलिस्टिक इमेजेस आर दैट, हमने ये भी देखना है कि उसमें कंटेंट की प्रिजर्वेशन है या नहीं है. ऑलराइट, सो हियर कम अनदर लॉस, दैट इज कंटेंट लॉस. इसे हम परसेप्चुअल लॉस भी कहते हैं समटाइम्स. सो आवर टोटल लॉस फॉर अ जनरेटर एंड फॉर अ सुपर रेजोल्यूशन गैन इज द सम ऑफ एडवर्सेरियल लॉस एंड द कॉन्टेंट लॉस. हम इसको वेट भी कर सकते हैं, वेटेज भी ऐड कर सकते हैं. लाइक यू कैन सी इन दिस इक्वेशन, जो हमने जनरेट एडवर्सेरियल लॉस है उसको मल्टीप्लाई किया है 10^-3 से, यानी वी हैव गिवन लेस वेटेज टू दैट देन द कॉन्टेंट लॉस. दिस कैन बी वेरिएबल. सो एडवर्सेरियल लॉस हमने देखा, इट कैन बी डिफाइंड एज वी हैव सीन अर्लियर, कि इनपुट इमेज जो हम पास करते हैं, इनपुट लो रेजोल्यूशन इमेज भी पास टू जनरेटर नेटवर्क एंड जनरेटर जनरेट्स एंड अनदर इमेज जो कि हम पास करते हैं डिस्क्रिमिनेटर को, एंड डिस्क्रिमिनेटर कंट्रोल्स द प्रोबेबिलिटी स्कोर एंड वी ऐड द प्रोबेबिलिटी स्कोर फॉर ऑल द नंबर ऑफ एग्जांपल्स. एंड फॉर द परसेप्चुअल लॉस, ओके, वी मेजर द मीन स्क्वायर एरर ऑफ फीचर्स एक्सपेक्टेड बाय अ VGG19 नेटवर्क. इट कैन बी एनी नेटवर्क अदर देन VGG19, हम VGG16 भी यूज कर सकते हैं. बेसिकली परसेप्चुअल लॉस का मतलब है कि उसमें से हमने उसके कॉन्टेंट को देखना है. एक एक्चुअल हाई रेजोल्यूशन इमेज के अंदर लेट्स से एक फ्रॉग है, और जो इमेज हमने एक लो रेजोल्यूशन फ्रॉग इमेज से जनरेट किया है, तो हमने परसेप्चुअल लॉस या कॉन्टेंट लॉस को मेजर करने का मकसद ये कि ये देखना है कि उसके अंदर और उसके फीचर्स आर दे सिमिलर और नॉट. एक्चुअल हाई रेजोल्यूशन इमेज और हाई रेजोल्यूशन इमेज जो हमारे जनरेटर ने जनरेट किया है, उन दोनों के फीचर्स भी सेम हैं या नहीं. उनके फीचर्स को सेम होना चाहिए इन ऑर्डर टू प्रिजर्व द कॉन्टेंट ऑफ द एक्चुअल इमेज. सो व्हाट वी डू, हम दोनों जनरेटेड इमेजेस को पास करते हैं थ्रू अ VGG नेटवर्क, थ्रू एनी प्रीट्रेन्ड नेटवर्क, जो उस और उसकी किसी न किसी लेयर से हम कुछ फीचर्स एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं. अगर इनिशियल लेयर्स होंगी तो वी विल हैव लोकल फीचर्स, और जैसे जैसे हम ग्रेजुअली बढ़ते जाएंगे तो फीचर्स विल गो थ्रू ग्लोबल फीचर्स. सो हम इनमें से किसी भी इंटरमीडिएट लेयर से उसके फीचर्स रिप्रेजेंटेशन हम निकाल लेते हैं दोनों इमेजेस की, और उनका हम आपस में कंपैरिजन करते हैं, उसका हम मीन स्क्वायर एरर कंप्यूट करते हैं. सो इन ऑर्डर टू जनरेट इमेजेस, ऐसे सुपर रेजोल्यूशन इमेजेस आपने जनरेट करने हैं जो कि जिनके कॉन्टेंट भी प्रिजर्व है एंड दे लुक रियली गुड, हमारा MSE लॉस बिटवीन द फीचर्स ऑफ एक्चुअल इमेजेस एंड द जनरेटेड इमेजेस शुड बी मिनिमम. सो इन दिस इक्वेशन वी कैन सी कि हमने फीचर मैप कंप्यूट किया है. फीचर मैप भी अभी पास लेट्स से फाई साई रिप्रेजेंट एनी लेयर इन अ VGG नेटवर्क एंड आई एंड जे दे आर डिटर्मिनिंग द मैक्स पूलिंग लेयर एंड जे कन्वोल्यूशनल लेयर. इट कैन बी एनी लेयर इनसाइड अ VGG नेटवर्क. सो हम VGG नेटवर्क को अपना एक्चुअल हाई रेजोल्यूशन इमेज एंड द जनरेटेड हाई रेजोल्यूशन इमेज जो कि जनरेटर ने जनरेट किया है विपास एंड द फीचर्स आर जनरेटेड, हम उन फीचर्स का वी कंप्यूट द मीन स्क्वायर एरर एंड दिस इज आर परसेप्चुअल लॉस और कॉन्टेंट लॉस. सो दीज आर द रिजल्ट्स ऑफ SR GAN. देर आर अदर नेटवर्क्स एज वेल, उनके बारे में आप पढ़ सकते हैं गूगल से. एंड यू कैन सी हियर
कि ओरिजिनल इमेज और ऐसा ज्ञान इमेज जो ज्ञान ने इमेज जनरेट किया है दे आर क्वाइट सिमिलर, उनमें इंफॉर्मेशन लॉस बहुत ज़्यादा नहीं है एंड वी आर प्रिजर्विंग द फाइनल डिटेल्स ऑफ दैट. वी कैन यूज सुपर रेजोल्यूशन ज्ञान फॉर सो मैनी पर्पजेज, जिसमें हम कोई भी किसी सीसीटीवी फुटेज में पर्सन रिकग्नाइज करने के लिए फेसेस को सुपर रेजोल्यूट कर सकते हैं, हम पुरानी फोटोग्राफ्स को उनको एक हाई रेजोल्यूशन में कन्वर्ट कर सकते हैं. सो इट हैज सो मेनी एप्लीकेशंस एंड वी कैन मॉडिफाई द नेटवर्क अकॉर्डिंग टू आवर डिजायर्ड प्रॉब्लम. थैंक यू.